हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग माँ बापू का सपना खाकी सीरीज का एपिसोड फर्स्ट कवर करेंगे। कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 41। नेक्स्ट है आपका DPSP, नीति निर्देशक तत्व। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4, और यह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 39A, इसको जोड़ा जाता है, संविधान में संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, निःशुल्क विधिक सहायता इसको जोड़ा जाता है संविधान में। 42वां जो संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। निःशुल्क विधिक सहायता या लागू किया जाता है, नालसा की स्थापना की जाती है और इसको लागू किया जाता है। नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट है 1987 का, और स्थापना होती है 1995 में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में उल्लेख है कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, फिर संविधान में संशोधन किया जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाता है। उस समय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी कस्तूरी रंगन समिति की। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। इसके बाद इसमें संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 21A। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 51A, मौलिक कर्तव्य। यह कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ रूस से लिया गया। संविधान में संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन, सरदार सोलह सिंह समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी? साइना नेहवाल, बैडमिंटन की खिलाड़ी है इन्होंने। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoitr। बैडमिंटन का कप है थॉमस कप, उबेर कप। नेक्स्ट आपका अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता था। शूटिंग से संबंधित है, पहला व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने, और दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। भाला फेंक से इनका संबंध है, 7 अगस्त को इन्होंने जीता था टोक्यो ओलंपिक में, इसलिए 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट आपका, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता, उनका नाम है कर्णम मलेश्वरी। वेट लिफ्टिंग में जीता था सिडनी ओलंपिक 2000 में, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है आपका, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता, उनका नाम है KD जादव। कुश्ती में जीता था 1952 के ओलंपिक में। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वह है PV सिंधु, बैडमिंटन की खिलाड़ी। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है आपका, कुछ और महिलाओं देखिए जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। साइना नेहवाल, बैडमिंटन से संबंधित, इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता। मैरी कॉम मुक्केबाज हैं, लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है, अभी हाल ही में यह चर्चा में है तो इनको ध्यान दीजिए। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। एकमात्र महिला जिन्होंने कुश्ती के अंदर कोई पदक जीता हुआ है साक्षी मलिक, अभी हाल ही में इन्होंने अपना पदक मतलब अपना संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? मीराबाई चानू है, वेट लिफ्टिंग, इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है आपका, लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग से संबंधित है, असम की रहने वाली है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। नेक्स्ट है आपका, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसके एक साल बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। इनका नारा था दिल्ली चलो नारा, और इनकी बुक थी इंडिया स्ट्रगल। नेक्स्ट है आपका, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी पत्रिका का नाम है मूक नायक, और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी इसकी स्थापना की थी, और जातियों का अंत इनका पुस्तक है।
नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी, इनकी पत्रिका का नाम है हरिजन और नवजीवन। महात्मा की उपाधि इनको किसने दी थी? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। केसर ए हिंद, इसकी उपाधि इन्होंने कहाँ पर त्याग की थी? असहयोग आंदोलन 1920 में। नेक्स्ट आपका हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सब रचना किसके हैं? महात्मा गांधी के हैं। नेक्स्ट है आपका सत्र को शुरुआत करने वाला मतलब सत्राहूत, और सत्र को समाप्त करने वाला सत्रावसन। केंद्र में सत्र को शुरुआत करने वाला और सत्र को अंत करने वाला होता है राष्ट्रपति, इसका उल्लेख है आर्टिकल 85 में। और राज्य में होता है राज्यपाल, इसका उल्लेख है आर्टिकल 174 में। नेक्स्ट है आपका भारत का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एज कितना है? 35 एज है। वेतन है 3.5 लाख। क्षमादान, राज्यपाल किसको क्षमादान दे सकता है, मतलब इसका जो उल्लेख है क्षमादान का आर्टिकल 161 में है। मित्र दंड और माशाल्लाह इसको माफ़ नहीं कर सकता, इसको माफ़ केवल राष्ट्रपति कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत। शपथ दिलाता है जो राज्यपाल को, शपथ कौन दिलाता है? राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, इनका एज है 35 वर्ष। राज्यसभा एमपी, इनका एज है 30 वर्ष। और लोकसभा एमपी, इनका एज है 25 वर्ष। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, किसके कार्यकाल में आया? लिटन, इनको कहा जाता है ओवन मेरिडिट। बंगाल विभाजन 1905 में होना था, कार्यकाल किसका था? करजन का। इसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है 7 अगस्त 1905 को, टाउन हॉल कलकत्ता, यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्टार्ट होता है। तारीख तय होती है बंगाल विभाजन की 16 अक्टूबर 1905, लेकिन बंगाल विभाजन हो नहीं पाता है। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में होता है। यह एक जहाज है, जापान मतलब जापान से कनाडा जा रहा था, कनाडा में इसको रोक दिया जाता है वैंकूवर स्थान पर। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, और इसके लिए कमेटी बनती हुआ है हंटर कमेटी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। करने वाले कौन है? लाला हरदयाल और सोहन सिंह हैं। सहनाई वादक हैं बिस्मिल्ला खां, इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में। और कौन है सहनाई वादक? अली अहमद बागेश्वरी, बागेश्वरी एकमात्र महिला सहनाई वादक हैं। नेक्स्ट है आपका बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। संतूर वादक हैं भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। तबला वादक हैं उस्ताद अल्लाह रखा खा, पंडित किशन महाराज और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है आपका सितार वादक है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ माई म्यूजिक। सुबह लक्ष्मी, इनको भारत रत्न दिया गया था 1998 में। नेक्स्ट है आपका मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश, इसका ट्रिक है हंसना नहीं मोए मोए। हास हो गया हरियक वंश, ना सा से हो गया शिशुनाग वंश, ना से हो गया नंद वंश, और मोए मोए से हो गया मौर्य वंश। तो ये मतलब क्रम है, हरियक वंश पहले था, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। मगध साम्राज्य सोन नदी किनारे है, वर्तमान में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार है यहीं पर। मगध साम्राज्य के पहले शासक थे बृहदत्त, राजधानी थी राजगिरी। हरियक वंश इसके संस्थापक थे बिम्बिसार, बिम्बिसार कब बैठे गद्दी पर? 544 बीसी में। 52 साल इन्होंने राज्य किया, मतलब सर्वाधिक शासन किया, सर्वाधिक भारत के इतिहास में भारतीय शासन जिन्होंने सर्वाधिक शासन किया वह है बिम्बिसार। इनकी हत्या इन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु को कहा जाता है पहला पितहत्ता, इसीलिए इस वंश को पितहत्ता वंश भी कहा जाता है। पहली बौद्ध संगति होती है 483 BC। शासक कौन थे? अजातशत्रु शासक थे, अध्यक्ष थे महाकश्यप। कहाँ पर होती है? राजगिरी में होती है। पाटलीग्राम, पाटलीग्राम इसकी स्थापना कौन करता है? उदयन स्थापना करते हैं और इसको राजधानी भी बनाते हैं। पहले राजधानी क्या थी? राजगिरी थी, अब राजधानी क्या हो गई? पाटलीग्राम। किसने बनाया? उदयन। शिशुनाग, शिशुनाग वंश के कालाशोक शासक थे, इन्हीं के टाइम पर सेकंड बौद्ध संगति होती है। कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है 383 BC में, और इसके अध्यक्ष थे सबांग बीन। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में होती है। हेडक्वार्टर है लुजान स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके हेड है थॉमस बॉग।
इसके लोगो जो है उसमें 5 रेख है जो मतलब महाद्वीप को दर्शाती है। इसके भी हाल ही में समिति की बैठक हुई थी मुंबई में। पहला ओलंपिक खेला गया था 1896 में एथेंस में। 33 नंबर का ओलंपिक खेला जाएगा 2024 में पेरिस में, और 34 नंबर का ओलंपिक खेला जाएगा 2028 में लॉस एंजल्स USA में। इसी में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। 32 ओलंपिक जो हुआ था, 32 नंबर का ओलंपिक 2020 में टोक्यो में हुआ था। इसका शुभंकर है मिराई तोबा। भारत की रैंक इसमें 48 थी। भारत ने इसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता था। गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता, भाला फेंक में जीता 87.58 मीटर भाला फेंक में। 7 अगस्त को जीता था इसीलिए 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त 2020 को जीता था इसीलिए 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट है आपका सिल्वर मेडल मीराबाई चानू और रवि दहिया ने जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था, और रवि दहिया इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल लवलीना बोरगोन, पीवी सिंधु। हॉकी टीम ने 41 साल बाद जीता, किसको हराकर? जर्मनी को हराकर, और बजरंग पुनिया। नेक्स्ट है आपका कि टोक्यो ओलंपिक में पहला रैंक किसका था? USA का था। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना आयुक्त में कौन थे? चंदमौली थे। क्रम कौन सा था? 15वां क्रम था। पहली जनगणना होती 1872 में मेयो के कार्यकाल में, और पहली दशकीय जनगणना होती 1881 में रिपन के कार्यकाल में। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार पॉपुलेशन में मैक्सिमम स्थान है उत्तर प्रदेश का और मिनिमम स्थान है सिक्किम का। 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी जनघनत्व में मैक्सिमम कहाँ पर है? बिहार में है, और मिनिमम अरुणाचल प्रदेश में है। साक्षरता में मैक्सिमम केरल में है और मिनिमम बिहार में है। केंद्र शासित प्रदेश में मैक्सिमम है लक्षद्वीप में और मिनिमम है दादर नगर हवेली में। सेक्स रेशियो में मैक्सिमम है केरल में और मिनिमम है हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान में 28 स्टेट है और 8 UT है। नवीनतम UT बना था लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नागर हवेली और दमन दीप ये दोनों आपस में विलय हुए थे 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है आपका होजागिरी किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा की भाषा है कोक बरोक। यहाँ के CM है मणिकसा। राजधानी है अगरतला, और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? खालची मेला लगता है। इसकी स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तीनों स्टेट बनते हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनते हैं, और सिक्किम कब बनता है? 1975 में बनता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। नृत्य शैली राजस्थान की नृत्य शैली है कालबेरिया, घूमर, गीदर, गेर। कालबेरिया यूनेस्को की आमूर धरोहर बना था 2011 में। अभी हाल ही में यूनेस्को ने आमूर धरोहर भारत का नवीनतम घोषित किया है। 15वें नंबर का गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य शैली है पिडवानी। पिडवानी इसकी फेमस कलाकार है तीजन बाई। असम में बीहू, बगरम्बा, अंकियानार, सतरिया। नेक्स्ट आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में इसकी मतलब शुरुआत होती है। इनामी राशि दी जाती है 25 लाख रुपए। अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहला दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, शतरंज के खिलाड़ी है। 2022 में दिया गया था शरद कमल को, टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। 2023 में यह अवार्ड दिया गया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, बैडमिंटन के खिलाड़ी है। अर्जुन अवार्ड इसमें इनामी राशि दी जाती है 15 लाख रुपए। इसकी शुरुआत होती है 1961 में। 2023 में 26 खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड, मतलब दिए जाने की घोषणा की गई है। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है, इसकी घोषणा मतलब शुरुआत होती है 1985 में। नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का उल्लेख है अनुच्छेद 368 में भाग 20। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। अभी हाल ही में 106वां संविधान संशोधन यह नवीनतम है। कब हुआ? 28 सितंबर 2023 को हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। कौन सा बिल है? 128 नंबर का बिल है। पेश किसने किया? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने। नेक्स्ट है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के तहत इसी संशोधन के मतलब 42वां संविधान संशोधन के तहत भाग 4A अनुच्छेद 51A इसके तहत फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य भी जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर लीगल राइट कानूनी अधिकार बनाया जाता है अनुच्छेद 301 के तहत। नेक्स्ट है आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना संविधान का अंग है
नहीं है। किस केस में कहा गया? वेरुवाड़ी केस में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है। और किस केस में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का अंग है 1973 में से केशवानंद भारती केस होता है, इसमें कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का अंग है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई। जर्मनी से आपातकाल में फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है या लिया गया जर्मनी से? आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आयरलैंड से DPSP लिया गया। नेक्स्ट आपका 1929 में खुदाई खिदमतगार जिसको लाल कुर्ती दल कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फर खान ने की। इनको फटियर गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया। दो विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया उनका नाम है नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में दिया गया, और खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया। नेल्सन मंडेला इनको शांति का नोबल पुरस्कार भी प्राप्त है, कब? 1993 में। नेक्स्ट है आपका हाई कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत अगर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट का उल्लंघन होता है, और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत जब फंडामेंटल राइट केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तब। पांच प्रकार की रीट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश प्रेक्षण। नेक्स्ट है आपका अंतर्राज्यीय परिषद, इसका उल्लेख है आर्टिकल 263 में, इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 129 में। नेक्स्ट है आपका आत्मीय सभा 1815 में, इसकी स्थापना की गई करने वाले हैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में की गई करने वाले हैं राजा राम मोहन राय। सर्वेंट सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में की गई करने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है आपका आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में स्टार्ट हुआ था, करने वाले हैं रामास्वामी नायकर और पेरियार। नेक्स्ट है आपका गुलामगिरी पुस्तक और सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की? ज्योतिबाई फूले ने की। नेक्स्ट है आपका एशियन गेम्स, इसका आयोजन भारत ने दो बार किया है 1951 और 1982 में। 1951 यह पहला क्रम था, इसमें पहला स्थान आता है मतलब पहला रैंक जापान का, और भारत की रैंक रहती है दूसरी। और 1982 में यह नौवां क्रम रहता है, और इसमें पहली बार शुभंकर सामने आता है। शुभंकर क्या बनता है? अप्पू। एशियन गेम्स फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन है? गुरुदत्त सोंधी है। एशियन गेम्स का लोगो है चमकता हुआ सूरज। 19वां एशियन गेम्स अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, कहाँ पर? हांगझाओ चीन में इसका आयोजन किया गया। भारत की रैंक इसमें फोर्थ है, भारत ने 107 पदक जीते हैं। भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसका टाइटल स्पॉन्सर है अमूल। नेक्स्ट आपका भारतीय रिजर्व बैंक 1934 का अधिनियम है, और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। यंग हिल्टन आयोग या कहिए शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। पहले हेडक्वार्टर कलकत्ता था, लेकिन वर्तमान में हेडक्वार्टर है मुंबई में। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। इसका लोगो है रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का ब्रिज। पहले गवर्नर बनते हैं उस्मान स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर बनते हैं सीडी देशमुख, और 25वें वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है आपका SBI, इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। पहले इसका नाम था इम्पीरियल बैंक, इसकी स्थापना होती है 1921 में, और फिर बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को मिला दिया जाता है और बनता है इन तीनों बैंकों को मिलाकर ही इम्पीरियल बैंक बनता है 1921 में। फिर 1921 में यह बैंक बनता है, बाद में इसी का नाम SBI पड़ जाता है 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट है आपका नबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की जाती है 12 जुलाई 1982 में 1982 को। नेक्स्ट है आपका सिडबी, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की जाती है, हेडक्वार्टर है लखनऊ में। पानीपत में तीन लड़ाई हुई, पहली लड़ाई हुई 21 अप्रैल 1526 को, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीता कौन? बाबर जीता, और बाबर ने तुगलमा पद्धति का यूज किया था, मतलब तोप का यूज पहली बार यहीं पर किया गया था। दूसरी पानीपत की लड़ाई होती है 5 नवंबर 1556 को, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से बेरहम जान थे, और अकबर इधर मतलब जीत जाते हैं। तीसरी लड़ाई होती है 14 जनवरी 1761 में, मराठा और अहमद शाह के बीच में। नेतृत्व कौन करता है? मराठा की तरफ से सदाशिव करते हैं। पेशवा रहते हैं बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है आपका सबसे भारी धातु ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया, और सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया अनोल्डी। नेक्स्ट आपका लिक्विड अवस्था में मिलने वाली धातु है पारा,
इसको मरकरी भी कहा जाता है और लिक्विड अवस्था में मिलने वाली अधातु है ब्रोमीन। नेक्स्ट है आपका ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान। ओजोन का परमाणु क्रमांक है 8, एटॉमिक नंबर है 16, तो 16 × 3 क्योंकि O3 है तो कितना आ गया 48। नेक्स्ट है आपका ओजोन की सांद्रता किससे नापते हैं, डॉप्सन से। ओजोन की जो परत है कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल पे पाई जाती है, यूवी रे रोकती है जिससे स्किन कैंसर नहीं होता है। ओजोन के संरक्षण के लिए मॉडियल प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987 में। नेक्स्ट है आपका रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन कौन सी, इसका ट्रिक है। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, हु से हो गया गेहूँ, टर से हो गया मटर, जो से हो गया जौ, सा से हो गया सरसों, आलू से हो गया आलू। तो चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सब रबी मौसम में होने वाले फसल है। नेक्स्ट आपका 2023 वर्ष घोषित हुआ है मोटे अनाज का, बाजरे का वर्ष, और 2024 वर्ष घोषित किया गया है कैमलेट्स ऊँटों का वर्ष। नेक्स्ट है आपका चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, राज मधुरे आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला में है। नेक्स्ट है आपका इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, तुर्की की राजधानी अंकारा, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, मंगोलिया की राजधानी उलनबटोर, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका इजराइल की मुद्रा है न्यू सेकेल, मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट, जापान की मुद्रा है येन, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, चीन की मुद्रा है रेमबी युवान, म्यांमार की मुद्रा है कयाद। नेक्स्ट है आपका एंगस्ट्रॉन्ग, इसकी इकाई है तरंग दैर्ध्य, किसकी इकाई है तरंग दैर्ध्य की। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, किस रंग का, लाल रंग का। प्रतिरोध इसका मात्रक होता है ओम। ध्वनि की तीव्रता नापते हैं डेसिबल से। दाब की इकाई है पास्कल, दूरी की इकाई है पारसेक। नेक्स्ट है आपका पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन B12 का साइनोकोबलिन, यहाँ पर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, मतलब विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैसीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन के का फिनोक्विनोन। नेक्स्ट है आपका धौलावीरा और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, होयसल मंदिर 42वां विश्व धरोहर है कहाँ पर है, कर्नाटक में है, बैनूर, हेलबीड, सोमनाथपुर, तीन स्थान पर। शांति निकेतन 41वां विश्व धरोहर है कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, रमप्पा मंदिर इसको काकतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है कहाँ पर है, तेलंगाना में है। प्रमुख त्यौहार देखिए, अंबुबाची का मेला असम में लगता है, सरहुल महोत्सव झारखंड में, सिग्मो गोवा में, साओ जोजोआ गोवा में लगता है, कंबाला कर्नाटक में, त्रिशूर पूरम केरल में, मेदराम यात्रा बथुकम्मा बोनालू ये सब कहाँ लगता है, तेलंगाना में, खारची पूजा त्रिपुरा में, फूलदेई उत्तराखंड में लगता है। तो फ्रेंड्स ये थे हॉकी सीरीज, अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।